केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर आएंगे। इस दौरान वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में होने वाले अंत्योदय महासम्मेलन में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां करनाल में की जा रही हैं। अंतिम चरणों में तैयारियों का दौर है, क्योंकि जिस तरह से एक बड़ा आयोजन है और सरकारी योजनाओं के लाभार्थी जिनकी संख्या 20,000 से ज़्यादा रहने वाली है उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हम आपको तस्वीरें दिखा दें कि किस तरह का आयोजन यहां पर किया गया है। एक जो विशाल जो पंडाल है वो लगाया गया है और करीब 19 एंट्री जो है पॉइंट्स बनाए गए हैं, जिनमें 2 महिलाओं के लिए हैं, बाकी जो एंट्री पॉइंट्स जो हैं 17 पुरुषों के लिए रखे गए हैं। चेकिंग यहाँ पर विशेष तौर पर होगी, जो महिलाएँ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आएंगी उनके लिए ये चेकिंग बूथ बनाए गए हैं। इसके अलावा 17 ऐसे एंट्री पॉइंट है, 1 से लेकर 17 तक ये एंट्री पॉइंट रहेंगे। यहाँ पर CCTV कैमरे की जो है निगरानी रहेगी। इसके अलावा कुछ हिदायतें भी यहाँ पर जो जारी की गई हैं वो भी यहाँ पर लगा दी गई हैं कि किसी तरह का नुकीला जो हथियार है या वस्तुएं हैं ऐसी वो नहीं लेके जा सकते। ज्वलनशील पदार्थ हो, चाहे किसी तरह की बोतल हो, काला कपड़ा हो, वो यहाँ पर नहीं आएगा। किसी तरह की इंक लाने पर भी पाबंदी रहेगी। आप देख सकते हैं कि हर एक जो बूथ बनाया गया एंट्री बूथ वहाँ पर किस तरह से पुलिस जो है मुस्तैद है। अभी कई दौर की रिहर्सल हो चुकी है और अभी भी जो है पुलिस के आला अधिकारी कुछ समय बाद पहुँचेंगे और जायजा लेंगे यहाँ की तैयारियों का, क्योंकि कई दिनों से पूरी जो प्रक्रिया है वो चल रही थी। जो IG सत्येंद्र कुमार गुप्ता है उन्होंने बताया था कि सुरक्षा व्यवस्था में 17 जो हैं पुलिस कंपनियां तैनात कर दी गई हैं, वहीं 12 जो SP हैं उनकी ड्यूटी यहां पर लगी है। इसके अलावा DIG को यहां पर नियुक्त किया गया है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुरक्षा के कितने कड़े प्रबंध किए गए हैं। इसके अलावा CRPF की भी सुरक्षा यहाँ पर रहेगी और ये पूरा जो क्षेत्र है इसको नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। यहाँ किसी तरह की ड्रोन एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होगी। कई रूट्स जो हैं डाइवर्ट किए गए हैं ट्रैफिक की व्यवस्था को देखते हुए, कई रास्तों को बंद भी किया गया होगा। आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर पूरी जो है व्यवस्थाओं को लेकर प्रयास जो है विभिन्न विभागों के द्वारा किए जा रहे हैं। पुलिस के अलावा जो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग है उसकी भी सुविधाएं यहाँ पर रहेंगी, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचेंगे तो ऐसे में किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी ना हो उसके लिए यहाँ पर एम्बुलेंस और उनको प्राथमिक जो चिकित्सा है उसकी भी सुविधा रहेगी। फायर ब्रिगेड यहाँ पर तैनात की गई हैं, कई गाड़ियाँ यहाँ पर, और इसके साथ साथ जो यहाँ लोग आएंगे उनको किसी तरह की दिक्कत ना, उनके लिए तमाम फैसिलिटीज यहाँ पर रखी गई हैं और तमाम जानकारी उनको यहाँ पर मिलेंगी। इसके अलावा एक बुकलेट जो हरियाणा सरकार की तरफ से जो है वो यहाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको दी जाएगी वो भी तैयार कर ली गई, जिसमें सरकार के 9 साल के कार्यों का ब्यौरा जो है उसमें रखा जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये कार्यक्रम होने वाला है और उसको लेकर उतनी ही बड़ी जो तैयारियाँ हैं वो यहाँ पर की गई हैं और यहाँ लगातार जो है आला अधिकारियों का निरीक्षण है वो भी जारी है। कल भी यहाँ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी आए थे इस कार्यक्रम की जो तैयारियों का जायजा लेने के लिए। अभी भी कुछ अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं, तो ऐसे में अंतिम चरणों में तैयारियां और किसी तरह की चूक यहां पर जो है वो नहीं रखी जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि 27 पुलिस कंपनियां यहां पर डेप्यूट की गई हैं, इसके अलावा 12 SP और 1 DIG नियुक्त किए गए हैं सुरक्षा को लेकर। इसके अलावा CRPF की भी सुरक्षा रहेगी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने कड़े सुरक्षा प्रबंध रखे गए हैं। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।